10 लाख वीडियोस बना के सोशल मीडिया पे डालेंगे, तो आई एम सॉरी टू से, लेकिन ये इल्ज़ाम नहीं, मैं सवाल पूछ रही हूँ कि आपके पास पैसे कहाँ आ रहे हैं 10 लाख वीडियोस बनाने के? ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के पास तो नहीं है ये पैसे, उनके पास तो नहीं है ये पैसे कि वो 10 लाख वीडियोस बनाए, तो आपके पास कहाँ से आ रहे हैं? सेनेटर मुश्ताक को ये कहाँ से बात महसूस हुई है? उनके आई थिंक जहन में मसला है, और इस पे मैं सवाल पूछना चाहती हूँ सेनेटर मुश्ताक से, उन्हें कहाँ से ये फंडिंग मिल रही है कि ये प्रोपेगेंडा करें? आप उन पर ये इल्ज़ाम लगा रही हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक तरफ पाकिस्तान में सैलाब की वजह से लोग मुतासर हो रहे हैं, लेकिन उसके बरक्स पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर्स का एक इशू आ गया है जिस पर मुख्तलिफ लोगों का मुख्तलिफ मौक़िफ़ सामने आ रहा है। और वो जो बिल का मैंने मुतालिया किया उसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिस पर लोग तनकीद कर रहे हैं। आज मेरे साथ ईमान मज़ारी साहिबा मौजूद हैं, उनसे इस बिल के हवाले से गुफ्तगू करेंगे और पूछना चाहेंगे कि इसमें कुछ चीज़ों पे जो तनकीद हो रही है असल में ये मसले इसमें है या नहीं है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताइएगा कि ये जो ट्रांसजेंडर्स एक्ट बिल है ये है क्या? देखिए, ये जो ट्रांसजेंडर एक्ट है ये 2018 में पार्लियामेंट के थ्रू पास हुआ था। तमाम जो सियासी जमातें हैं उनकी मशावरत से, अदालत की रिकमेंडेशन से, काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी की शमूलियत के बाद, नेशनल कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की शमूलियत के बाद, तो ये बहुत एक वेल थॉट आउट, वेल डिस्कस्ड पीस ऑफ लेजिस्लेशन थी। अब इसमें इसका जो कॉन्टेंट है वो क्या है? इसमें सिर्फ़ और सिर्फ बात की गई है जो ट्रांसजेंडर पर्सन्स हैं उनके सिविल हकूक़ की, यानी विरासत में हक, तालीम में हक, सेहत का हक, एक्सेस टू जस्टिस का हक, एक्सेस टू पब्लिक स्पेसेस। तो ये जो तनकीद आ रही है असल में इसकी समझ नहीं आती, क्योंकि जो ये तनकीद कर रहे हैं उसका तो कोई सब्सटेंस कानून में पाया ही नहीं जाता। इसमें जो तनकीद आ रही है, एक मसला जो इसमें उठाया जा रहा है वो सेल्फ परस्यूट जेंडर का आ रहा है, तो आपको लगता है कि इसमें ये मसला है? नहीं, देखें, इसमें एक डिस्टॉर्शन की जा रही है सेनेटर मुश्ताक और इनके हामियों की तरफ से। वो ये बात बार बार कर रहे हैं और ये बेबुनियाद बात है। वो कह रहे हैं कि औरत मर्द में तब्दील हो सकता है और मर्द औरत में तब्दील हो सकती है। जब आपको एक ट्रांसजेंडर पर्सन का कार्ड मिलता है उस पर सिर्फ एक्स होता है, आपका जेंस एक्स होता है, तो आप मर्द से ट्रांसजेंडर हो सकते हैं, फीमेल से ट्रांसजेंडर हो सकते हैं और कानून के तहत। तो जो तमाम 2018 से पहले रजिस्ट्रेशंस है, और ये भी मद्देनज़र रखें कि ट्रांसजेंडर के पास CNICs नहीं है, वो नहीं लेते, उनके लिए एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है वो बहुत मुश्किल होता है। तो 2018 से पहले जो लोग पैदा हुए हैं वो कह रहे हैं कि वो अपना ट्रांसजेंडर कार्ड ना लें क्योंकि ये मर्द से ट्रांसजेंडर में चेंज हो रहा है। ये इस पूरे डिबेट को डिस्टॉर्ट कर रहे हैं जबकि ऐसा है नहीं। तो ऑब्वियसली अगर आप मर्द से ट्रांसजेंडर हो रहे हैं या फीमेल से ट्रांसजेंडर अपने आईडी कार्ड पर लिखवा रहे हैं, वो इसलिए है क्योंकि आपको एट बर्थ गलत जेंडर असाइन किया गया था। मुझे बताइएगा कि सेनेटर मुश्ताक अहमद खान जो है वो ये भी इतराज कर रहे हैं कि लीगलाइजेशन ऑफ होमोसेक्सुअल मैरिजेस हो जाएंगी। देखें, पता नहीं सेनेटर मुश्ताक को ये कहाँ से बात महसूस हुई है, उनके आई थिंक जहन में मसला है, क्योंकि कानून में ये बात नहीं लिखी हुई। इनफैक्ट जो एक हर बंदे का सिविल राइट होता है कि वो शादी करे, वो आज तक पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के पास हक नहीं है। तो जब आपको एक्स का कार्ड मिलता है, अगर आप ट्रांसजेंडर हैं और आपका एक्स है जेंस अपने आईडी कार्ड पर, तो आपके पास शादी का हक ही नहीं है। तो ये हमजिन्स परस्ती की बात कैसे कर रहे हैं जब उन्हें शादी का हक ही नहीं है? तो ये तो बिल्कुल ही बेसलेस बात है करने की। और इस पे मैं सवाल पूछना चाहती हूँ सेनेटर मुश्ताक से, उन्हें कहाँ से ये फंडिंग मिल रही है कि ये प्रोपेगेंडा करें? आप उन पर ये इल्ज़ाम लगा रही हैं? मैं इल्ज़ाम लगा रही हूँ क्योंकि देखें, जो ये सारा नैरेटिव है इनका, जो ये कह रहे हैं कि वेस्टर्न प्रोपेगेंडा वो लोग कर रहे हैं जो इस लॉ को सपोर्ट कर रहे हैं, असल में तो वो वेस्टर्न प्रोपेगेंडा कर रहे हैं क्योंकि 1871 में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट जो ब्रिटिश थे वो लाए थे बरे सगीर में, जिसके थ्रू ट्रांसजेंडर्स की आइडेंटिटीज़ को एक्सक्लूड किया था, उन्हें क्रिमिनलाइज किया था, उन्हें डिवियंट्स कहा गया था। तो वो मगरिब का काम कर रहे हैं या हम कर रहे हैं जो कह रहे हैं कि इन्हें हकूक दिए जाए क्योंकि हमारी ट्रेडिशन यह है बरे सगीर में? वो इसको LGBT के साथ भी मुंसलिक कर रहा है। अगेन, ये कहाँ से आ रही है बात? क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, अगर आप ट्रांसजेंडर हैं तो आपके पास तो शादी का हक भी नहीं है, तो किस तरह LGBT की बात इसमें आती है? ना ये लफ्ज़ कानून के पूरे मवाद में आपको मिलता है।
तो एग्जैक्टली ये फिर सवाल तो सेनेटर मुश्ताक की तरफ से मिलता है। और आज मैं उनकी ट्वीट देख रही थी जहाँ उन्होंने कहा है कि हम 10 लाख वीडियोस बना के सोशल मीडिया पे डालेंगे। तो आई एम सॉरी टू से, लेकिन ये इल्ज़ाम नहीं, मैं सवाल पूछ रही हूँ कि आपके पास पैसे कहाँ आ रहे हैं 10 लाख वीडियोज़ बनाने के? ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के पास तो नहीं है ये पैसे, उनके पास तो नहीं है ये पैसे कि वो 10 लाख वीडियोज़ बनाए, तो आपके पास कहाँ से आ रहे हैं? ये जो इल्ज़ाम वो लगा रहे हैं या जो ये इख्तलाफ रखते हैं वो, तो आपको क्या लगता है ये किस वजह से ये इख्तलाफ रखते हैं, क्या मसला है उनको ये ट्रांसजेंडर से? देखिए, सबसे पहले तो आई थिंक बहुत से ट्रांसजेंडर्स ने ही खुद बात की है कि जब तक वो सड़कों पर भीख मांग रहे थे या मुजरों में नाच रहे थे तब तक वो आपके लिए ठीक थे, एक्सेप्टेबल थे, क्योंकि उनकी आपने रिस्पेक्टेबिलिटी और डिग्निटी उनसे छीन ली। अब जब वो आपके साथ दफातर में आकर बैठते हैं, अब आपको मसला है क्योंकि आपने उनके साथ बैठना है, आपने उन्हें इंसानों की तरह ट्रीट करना है। मसला तो ये है आपकी अंदर की जो बिगेट्री है, नफरत है उन चीज़ों के लिए, उन लोगों के लिए जो आपसे मुख्तलिफ हैं। और ये रिलीजियस राइट विंग का एक तारीखी मसला है, ये कुछ नया नहीं है। औरतों से भी ये नफरत करते हैं, हर साल औरत मार्च पे भी यही नफरत भरा प्रोपेगेंडा करते हैं, ये ट्रांसजेंडर्स के साथ भी करें। तो जो भी फ़र्क होता है उनके साथ आप ये ट्रीटमेंट रखते हैं। जो मेडिकल बोर्ड होगा जिसमें एक प्रोफेसर, एक मेल सर्जन और एक फीमेल सर्जन और एक जो है साइकोलॉजिस्ट भी उसमें होगा और एक चीफ मेडिकल ऑफिसर होगा, तो क्या वो जिन्स का तयन करेंगे? नहीं देखें, अगर आप टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, जहाँ तक मैंने कानून पढ़ा है, जो मुझे समझ आई है कि अगर आप ट्रांसजेंडर आप पहले नहीं रजिस्टर्ड थे और फिर आप एक्स का मार्कर ले रहे हैं, उस वक्त मेडिकल बोर्ड नहीं बैठेगा, बिकॉज़ वो एक वायलेशन ऑफ ह्यूमन डिग्निटी है। जैसे अगर मैं अपने आप को रजिस्टर करने जा रही हूँ नादरा में बहैसियत एक औरत, मुझे तो नहीं कोई कहेगा कि आप मेडिकल करवाएं अपना। ये इशू आता है इन अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट मेडिकल बोर्ड का, बट प्रोवाइडेड है ये चीज़ भी प्रोवाइडेड है। तो अगेन बैक टू दैट क्वेश्चन कि ये इशू कहाँ से बनाया जा रहा है, किसके कहने पर बनाया जा रहा है। मुझे बताइएगा कि उनका एक और भी इल्ज़ाम है और ये बात भी की जाती है कि इसमें औरतों की इज्जत को पामाल किया जाएगा और उनके हया को नुकसान पहुंचाया जाएगा। तो देखें, पाकिस्तान में इस तरह की बेबुनियाद बातें करना बहुत आसान है, किसी भी सब्सटेंस दिए बगैर, किसी भी एविडेंस दिए बगैर वो बताएं किस तरह। आज तक तो उन्होंने एक कानून की शिक नहीं दिखाई जो कहती है कि हम जिंस परस्ती होगी या उन्हें शादी का हक दिया हुआ है, तो ये भी उस चीज़ में फॉल करती है। और दूसरा इसमें जो ज़रूरी पॉइंट है कि अब मौलवी हजरात को एहसास है कि औरतों के हकूक पामाल होते हैं, जब औरतें और बच्चे पूरे साल रेप हो रहे होते हैं, मदारिस में रेप हो रहे होते हैं, मौलवी उनका रेप कर रहे होते हैं, लोग उन पर तेजाब फेंक रहे होते हैं, तब इन्हें कोई एहसास नहीं होता। अपने सियासी एजेंडा के लिए ये कोऑप्ट करते हैं हमारे कॉजेज़ को, हमारे मूवमेंट्स को, अपना ये जो प्रोपेगेंडा है उसे बेचने के लिए। ये बिल जब आया और ये बिल में जिस तरह इन्होंने इख्तलाफ करना शुरू किया और इस पर इन्होंने बहस करना शुरू की, तो इसी के दौरान केपीके में काफ़ी केसेस आए, कुछ ट्रांसजेंडर जो है उनको कत्ल किया गया, तो आपको लगता है कि इस चीज़ पर ये जो अब खामोशी है ये भी इन्हीं की वजह से है? देखें, ये भी है, और वैसे भी वो एक मज़लूम तबका है, जो मज़लूम तबकों से होते हैं उनकी कवरेज जब उनके साथ इस्तेसाल होता है, जबर होता है, तशद्दुद होता है, वो नहीं इतना रिपोर्ट किया जाता। लेकिन ये जो आपने बात की, अब 4 ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से लोगों को मारा गया है 2 हफ्ते से कम टाइम में, यानी जब से इन्होंने अपना गंदा प्रोपेगेंडा शुरू किया है लोगों की जान खतरे में है। तो ये एक किस्म की हेट स्पीच है, ये नफरत फैला रहे हैं माशरे में, और कोई इनसे पूछने वाला नहीं है। मैं उस दिन देख रही थी आज़म नज़ीर तारर साहब ने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को इंटरव्यू दिया था, तो वो कह रहे थे कि जी अगर उन्हें अमेंडमेंट से कानून इम्प्रूव हो सकता है तो हम उन पर नज़रसानी करेंगे। आप क्यों ये कर रहे हैं? ऑलरेडी एक मज़लूम तबका है, आप क्यों मौलवियों के सामने आप प्रेशर नहीं विदस्टैंड कर सकते, कभी भी कोई भी हुकूमत भी? आप इसको रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म कह सकती है? बिल्कुल, ये रिलीजियस एक्सट्रीम, मैं तो रिलीजन का इसमें नाम ही नहीं लाऊंगी। ये जनरली जो रिलीजियस पार्टीज़ हैं ये अपने आप को मजहबी कहती हैं, इनमें ना मज़हब का कोई निशान है ना नाम है, ये मज़हब को खुद ही मिसयूज़ करती हैं और ये अपने सियासी मकासद के लिए करती हैं, और इससे आई थिंक कोई डिस्पिकेबल चीज़ नहीं हो सकती। आप लोगों के साथ, क्योंकि परसों जिस तरह मैंने देखा एक टॉक शो में, वो टॉक शो छोड़ के चले गए, एक वो जो ट्रांसजेंडर्स उनके साथ बैठा हुआ था, तो आप सबके साथ जितने भी ये लोग इस पे काम कर रहे हैं उनके साथ वो बैठने के लिए तैयार तो नहीं है, आप उनसे कोई सवाल करना चाहती है?
देखिए, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि उन्हें क्यों इतनी नफ़रत है एक मज़लूम तबके के लोगों से। उनके अंदर ये कहाँ से थॉट्स आई हैं जो कानून में भी नहीं लिखी गई? वो क्यों ये बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा रहे हैं जब वो जानते हैं इस कम्युनिटी की सिचुएशन क्या है? कोई इस मुल्क में रहते हुए ये नहीं कह सकता कि ट्रांसजेंडर्स को उनके हकूक मिलते हैं। नहीं मिलते, इसलिए ये कानून लाने की ज़रूरत भी महसूस हुई। परसों जब मैं इंटरव्यू करा था मेरूप से, उन्होंने कहा कि इनको बाहर से फंडिंग हो रही है। आपको भी यही लगता है? मुझे लगता है, देखें, मैं सवाल के तौर पर ये उनसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि जो उनके वसाइल हैं और जो दूसरी साइड बेचारे मजलूम तबके के हैं, उनके वसाइल का इम्बैलेंस देखें। और ये सेनेटर साहब हैं, ठीक है, एक सेनेटर को रिस्पॉन्सिबली बिहेव करना चाहिए। और उनके पीछे इतने लोग हैं जो ये इन्हें जानबूझकर गुमराह कर रहे हैं मजहब के नाम पर, और ये पहली दफ़ा नहीं पाकिस्तान में हो रहा। आपको भी पता है, औरत मार्च पे भी ये तोहमतें लगाई गई, झूठी बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया गया, लोगों की जानें खतरे में डाली गई। वही चीज़ ये करते हैं हर साल, हर 3 साल बाद, हर 2 साल बाद। पता नहीं इन्हें क्या शौक मिलता है लोगों की मिजरी देखने में। मैम, आपको बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह एक नए एपिसोड में दोबारा आप लोगों से मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।